जैसे ही मैं टेंट पहुंची, जिन जिन्होंने आज मुझे वोट आउट करके निकाला है, मैं उन लोगों से बात कर रही थी कि मुझे वोट आउट करने का रीजन क्या है. आई रियली वांट टू नो अबाउट इट. मेरे को पता है गुस्सा क्यों आया वोट आउट पे, बिकॉज मेरे को लगता था कि शायद मैंने बहुत अच्छे रिलेशन बनाए हैं. मेरे मुंह पे तुम सबने तलवार बनाए हैं. सुन मेरी बात, मैंने तेरा नाम लिखा है. मैंने इसका नाम लिखा है भाई, उसने लिखा है. मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि आई डोंट प्ले एट द बैक. मैं फ्रंट में होके बोलती हूँ, फ्रंट में होके सारी चीजें करती हूँ. नहीं, बट तुझे उस टाइम पे स्टैंड लेना चाहिए था. आशीष तू मानते बात यार, मेरा मतलब नहीं था. वही तो तू भी नहीं था. तू चुप है, तू बाहर निकल जा. तू तमीज से बोल रहे हो. एक अरे यार सब मेरे अगेंस्ट हो गए. वहां से तारा गालियां देना स्टार्ट. मैंने बोला अब रुक जा. तू अच्छा के सोनो में ना गिनवा. मुझे इतना गुस्सा आ रहा था. तुम मुझे फुटेज की रानी बोलते हो और हर चीज में तुम्हें आके फुटेज खानी है. आई बी द बिगर पर्सन. मैंने तेरे को ऐसे कर दिया ना. सॉरी भाई, गलती करिए तब सॉरी बोलो. गलती करेंगे थोड़ी ना सॉरी मानते रहेंगे. सॉरी की वैल्यू भी तो होनी चाहिए. अरे तेरी की पता है ऋषि, तेरी की पता है. यही से पता लग गया. गुप्ता जी सॉरी बोल देते ना, अभी मैटर खत्म हो जाता. क्योंकि आरुषि को दिख गया था कि शायद अब वो माइनॉरिटी में है, तो उसने साहिबा को वोट बैंक के चक्कर में अपनी तरफ करने की कोशिश करी पूरी. एंड दत्ता एंड साहिबा आर प्रोबेबली द मोस्ट विशियस पीपल अभी. और इन दोनों को तो मुझे साथ नहीं आने देना, नो मैटर व्हाट हैपेंस. ओयो होम्स की तरफ से आप सबको मिलता है ओयो होम प्रीमियम प्रॉपर्टीज में 2 nights 3 days का फ्री स्टे. So at Oyo's exclusive beautifully designed villas offering full comfort and privacy at your favorite holiday destination. This is Droom.in. MTV Roadies Real Heroes, powered by Oppo, co-powered by Frankfin and Woodland. सब कुछ सही चल रहा है. How's the campsite? कल रात को ही युद्ध हुआ है. क्यों? मेरे वोट आउट की बात चल रही थी और as usual बीच में Mr. Rachel jumped in. तो खुजली होती है, उसको मिटानी जरूरी है भाई. सुन सुन सुन, कौन आया था बीच में? मैं आया था, ठीक है. मैं वैसी बात कर रहा था उस टाइम. पर जब कोई बात कर रहा होता है ना, बीच में टांग नहीं अड़ाते. सुन एक बार बात सुन ले, सुन ये पीछे के बात कर ले. क्या आ गया तेरा? मेरी बात हो रही थी ना. मैं वहां पे ये चीज बोल रहा था कि मैंने तेरे को वोट आउट नहीं किया. इतने में तेरे को पता नहीं कहां से आग लग गई है. कहां से तेरे अंदर से ज्वाला जाग गई है, डायन आ गई है.
तू समझा? तमीज से बोल बकवास अगर फालतू की। ओ टट्टू पीछे हट यार। ओ टट्टू पीछे हट यार। तमीज से बोल बकवास अगर फालतू की। ओ टट्टू तू चुप रह, तू चुप रह, तू चुप कर। सुबोध के पापा क्या बोलते हैं? बोल पीछे हट ना। पीछे हट, पीछे हट। पापा को पीछे नहीं बोलते। बाप को ऐसे नहीं बोलते। अपने बाप को ऐसे नहीं बोलते। अपने बाप को ऐसे नहीं बोलते। तू पीछे हट। आज के टास्क का नाम है वुडलैंड ट्रेजर रंबल। रंबल में लगा यार यहाँ पे किसी को लात घुसे तो पक्का पड़ने वाले आज। ये टास्क तीन स्टेज में होगा। पहले स्टेज में आपके पीछे एक एरिया है जहां पर बहुत सारा कचरा है। As people who are adventurers, as people who are explorers, you have to be responsible explorers. और आपको ये पूरा कचरा साफ करना है। जो प्लास्टिक बॉटल्स वहाँ पे पड़ी हैं, दो बॉटल्स में दो ट्रेजर मैप्स हैं। पांच मिनट के बाद सेकेंड स्टेज शुरू हो जाएगा, जहाँ पर आपको इसी जगह पर खोद के ट्रेजर ढूंढना है। अब दो मैप्स हैं, अगर वो दो मैप्स दो अलग अलग गैंग्स के पास हैं, उनको पता है कि ट्रेजर कहाँ है, वो सीधा उधर खोदेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिनके पास मैप्स हो उन्हें ही ट्रेजर मिले। ट्रेजर सब ढूंढ सकते हैं। जिसको भी ट्रेजर मिलेगा उस गैंग में से दो लोग इमीन हो जाएंगे। क्लियर था मेरे माइंड में, अगर आज मुझे इम्यूनिटी नहीं मिलेगी आई एम गोइंग होम, क्योंकि गैंग रफ्तार हर बार टारगेट हो रही है। मूविंग टू स्टेज थ्री, आपको अपने ट्रेजर की, अपनी इम्यूनिटीज की रखवाली करनी होगी। नीचे जो दो अलग अलग ट्रेजर्स हैं, उसमें 20 सिल्वर नगेट्स हैं। दूसरे गैंग से दो दो लोग नीचे आएंगे, हर गैंग से जो ट्रेजर के दो दो रखवाले होंगे। एक टाइम पर आप ट्रेजर से एक ही चीज वापस लेके जा सकते हो। ऊपर जिनके पास भी सबसे ज्यादा सिल्वर नगेट्स होंगे वो जीत जाएंगे, और वो इम्यूनिटी आप इनसे छीन चुके होंगे। काफी ज्यादा भिड़ने वाला टास्क था, ऐसा टास्क था जिसमें हम कुछ भी कर सकते थे, बट वी हैड टू गेट द इम्यूनिटी। सारी गैंग्स का टारगेट मेरी गैंग है, सबको लगता है अरुण थ्रेट है, तो मेरे लिए हर इम्यूनिटी बहुत जरूरी थी। दिस इज अ गेम ऑफ लक, इज अ गेम ऑफ अलायंसेस, एंड इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रेंथ। टेक योर पोजीशंस फॉर द फर्स्ट स्टेज। देखना नहीं है पहले, पहले सिर्फ डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, उसके बाद खोल के देखना है किसके पास क्या है। प्रिंसेस कोलैबोरेटिंग विद संदीप। ओके, ठीक है। मैंने अपने राइट पर देखा और प्रिंस और संदीप खड़े हुए थे, और सम ऑफ माय नॉट सो फेवरेट पीपल वर आल्सो ऑन माय राइट, सो आई वाज जस्ट लाइक यू नो आई एम नॉट फीलिंग देम राइट नाउ। लेट मी कम हियर। एम आई अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ? यस। ओके, आई कैन प्रॉमिस वन थिंग, इन केस वी गेट दैट स्ट्रोक ऑफ लक, वी विल गिव वन वन अवे खोदना कर दिया, वहाँ भी आप छीन सकते। छीनने के बाद सर्कल से बाहर निकलना है। गेम सिर्फ ढूंढने की नहीं है, उसके बाद छीनना भी होगा। हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं छीनने के लिए, तो हमारे पास ज्यादा चांस था जीतने का। गाइस, आप सब लोग अपनी सिटी लाइफ छोड़कर काफी सारे एडवेंचर्स कर रहे हो, आज आपका एक और एडवेंचर है। आर यू गाइस रेडी फॉर इट? यस सर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ले ले ले, पकड़ पकड़ पकड़। अगर ऐसी सफाई हमारे देश में हर रोज हो इतनी स्पीड से तो मजा आ जाए। कम ऑन गाइस, तुम खींच भी सकते हो, छीन सकते हो। सिमरन, लुक फॉर द बॉटल्स ऑन द मैप, लुक फॉर द बॉटल्स ऑन द मैप। मैंने और झूठी ने डिसाइड कर लिया था कि हम केवल स्क्रोल्स वाली बॉटल पहले कलेक्ट करेंगे, तो मैंने 7-8 स्क्रोल्स उठा लिए, झूठी ने 3-4 स्क्रोल्स उठा लिए। अब खोलना स्टार्ट करो, साइड में आके, साइड में आके, साइड में आके। साहिबा आराम से खोल, छुपा के खोल, छुपा के खोल। सारे खाली, सारे खाली। आप नॉर्मल, आप नॉर्मल। अगर मिल भी गया तो आप नॉर्मल। तीनों को ब्लैंक मिला? हम्म।
हमारे पास मैप निकलता है और तब लगा कि चलो अब जीतने के चांसेस हैं, बैंड नहीं है पर इम्यूनिटी जीतने के चांसेस हैं। मिला कुछ नहीं? नहीं मतलब उनके पास मिलन लेट इट बी आई डेफिनेटली शेयर्ड द मैप विद रफ्तार एंड निखिल व्हिच मेंट कि अगर बाकी में से किसी को मिल जाती वो बोरी तो मेरे लिए बहुत बुरा होता बिकॉज आई वुड हैव लॉस्ट माय चांसेस ऑफ विनिंग टू इम्यूनिटी। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत शांति से काम लिया क्योंकि हमें नहीं चाहिए था कि और लोगों को पता चले कि हमें मैप मिल चुका है। सेकंड स्टेज इज गोइंग टू स्टार्ट इन 3, 2, 1 गो। पीछे 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 अरुण अरुण एक मिलन के पास रहो, एक लक्ष्य के पास रहो। हमारे पास जो मैप था उसमें 3 जगह मैप की लोकेशन दिखाई गई थी बट उन तीनों में से सिर्फ 1 जगह खजाना था तो हम लोगों ने 3-3 2-2 करके ऐसे टीम बनाई और तीनों जगह खोदना स्टार्ट किया। आशीष साइड कर, उसको साइड कर, बाय चांस मिल गया तो हाथ मारेगा। 2 ट्रेजर्स है, बाद में भी जान की जरूरत पड़ेगी। Oh shit. एक दूसरे से जो भी गुस्सा है ना निकाल दो आज की रेट में, जोर लगाओ पटक पीछे। वेरी गुड भाटिया, वेरी गुड, पकड़ ले इसको। नाइस अरुण, नाइस अरुण। चल 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 चल। कोई किसी को उठा के पटक रहा है, कोई किसी को उठा के पटक रहा है और जो टास्क था दैट वाज गड्ढे खोदना ट्रेजर निकालना उस पर किसी का ध्यान ही नहीं था। तारा तारा हाँ ओए 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 पागल हो गया क्या दिमाग से? तारा बातें बड़ी अच्छी करता पर है वो भी बददमाग। भाई तू रचल के साथ लड़ेगा अब? शेम ऑन यू ब्रदर। पैर छोड़ धक्का मत दे रहा। तारा 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 धक्का मत दे रचल छोड़ कम से कम 1 फुट नीचे है, 1 फुट। वहाँ पर हम खोद रहे और हमें ऐसा लग रहा था कि खोदते वहाँ पर कुएं बन जाएंगे बट खजाना नहीं मिलेगा। मिलन, it's more likely to be an exact position rather than ambiguous position, which is why I think the one. जो दंगल शुरू हुआ वहाँ पर लड़कों को अलग से, लड़कियों को अलग से, लड़कों के बीच में लड़कियाँ घुस रही है, मुझे पोटली चाहिए। अबे है ही नहीं वहाँ पे। खोदा पहाड़ निकला चूहा कुछ भी नहीं था एंड रेचल वाज लाफिंग आफ्टर दैट। भाई यार थोड़ा तो दिमाग लगा ले, यहाँ पे ट्रेजर मिल रहा, तू एक्टिंग कर रहा है वहाँ पे। दत्ता वहाँ से कोई नहीं आना चाहिए। We kept digging. 2 फुट 2.5 फुट निकलने के बाद मुझे खजाना दिखता है, फील होता है। अब यार मिलन पता नहीं उसका दिमाग से वो इतना सही काम लेता है बंदा। उसको ट्रेजर मिला, उसको भाई किसी को भनक तक नहीं लगने दी उसने। चल दूसरा जा सोहेल उधर जा। मिलन यू नो
अब मुझे लग रहा था कि अभी मिलन की मुट्ठी में दो इम्यूनिटीज हैं, इसके बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। Come on, guys! नहीं, नहीं। अंकिता! काम के पास जा। दूसरा जो ट्रेजर था वो हमारी मैप के अकॉर्डिंग था, तो हमारे लिए तो टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि जो लोग अपना अपना ट्रेजर ढूंढ रहे थे दूसरी अलायंस, अब वो भी हमारे ट्रेजर पे आकर नजरें गड़ाकर बैठ गई वहां पर। एकदम लूजर वही होगा। जब मैं यहाँ देखता हूँ कि यार यहाँ यार यहाँ पे मिट्टी सॉफ्ट है, मैं ऊपर दो तीन हाथ मारता हूँ और मेरे को कुछ फील होता है। फॉर्मूला ऐसा भेड़िया नहीं होता, जंगली भेड़िया कुत्ते बिल्ली जैसा चीर फाड़ खाएंगे आज ही आज सबको, इस तरीके से कूद पड़ते हैं सारे के सारे। Guys, this is not counted. Whoever got out of the ditch with the treasure first, that's it. मैं देखा नहीं था। मेरे को इस बात की कोशिश थी और अपने आप पे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि मैं क्यों चिल्लाया भाई, मतलब बिना चिल्लाए भी काम हो सकता था। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखा नहीं कहाँ पर खड्डा ऊपर हुआ है? दिखा नहीं? हाँ, दिमाग से पैदल हो सब। पहले दो स्टेज हो चुके थे, हमारे पास एक भी इम्यूनिटी नहीं थी, बट अब बारी थी हमें अटैक करके वो इम्यूनिटी लेने की। दिस इज द फर्स्ट रेड, आपके पास दो मिनट है टू गेट टू दैट रोप। गर्ल्स यू हैव टू डिफेंड फॉर टू मिनट्स ओनली। हु आर द थ्री गर्ल्स हु गोइंग? निकी गैंग में जो लड़कियां हैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग बाकी लड़कियां हैं, फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है वो, तो हमारे पास ज्यादा चांस था जीतने का। Your time starts now. Go, Saiba! Saiba, Saiba! Ankita! Ankita! Chill ke baad. तो वहां पर मैं सिमरन को डोज देके ऐसे निकली कि मुझे पकड़ना तो दूर, वो डिफेंड भी नहीं कर पाई। पकड़ा था तुमने। पहला राउंड में हमारे पास एक नगर थी और एक नगर थी दत्ता के पास। कौन कौन जा रहा है? You have only 2 minutes. Your time starts now. हमने ऐसी अलायंस बनाई थी कि रफ्तार का गैंग आके सिल्वर कॉइन्स लेके जा सकता है और प्रिंस और संदीप के गैंग को हम लेके नहीं जाने देंगे। विधान ने क्या परफॉर्म किया वहां पर, विधान उठा और मिलिंद को ऐसे पटका वहां पर कि उसको अपनी नानी याद आ गई होगी, और इसी के साथ हमारे पास आ गए थे दो नगेट्स। गुड विधान। यस वेरी गुड, बहुत क्या है, वेरी गुड। गला चोर, गला चोर, ऊपर बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, कुछ दबाओ मत, बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। अरे 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 अरे, चल
Come on, Bhatia. Hold on, guys. Hold on. Just hold on. Lock him down. That's it. Chal, Bhatia. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. यहाँ पे परफॉर्मेंस का एक चांस था मेरे पास में, लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्तों ने काट दिया और मैं वहाँ पे जमीन से दबा रह गया। गाइस मेरी बात सुनो, तुम दो गैंग में से तब तक मत आना क्योंकि नेहावर गैंग रफ्तार गैंग की मदद कर रहे हैं, तुम तब तक उसमें से मत निकालना जब तक तुम्हें लगता है कि तुम सेफ नहीं हो, क्योंकि तुमने निकाला तो मुंह में डाल लो ताकि वो लेके ना जा पाए। देखो कौन तुम्हारा साथ दे रहा कौन नहीं दे रहा, देखो ध्यान से सुनो, समझो। एक स्ट्रैटेजी जो हमें साफ दिख गई थी कि अभी भी वो वही अलायंस फॉलो कर रहे थे और उनका टारगेट था प्रिंस सर एंड संदीप सर। Alright, who's going next? Your 2 minutes start now. आराम से। Very good, Rushi. रुक जा वहीं पे। अर्षी नहीं, हाँ अर्षी बिठा ले बस, अर्षी बिठा ले उसको, आखिरी के 10 सेकंड में जाइयो। जैसे वो मेरे गैंग के लोगों को रोक रहे थे तो मुझे समझ आ गई थी कि ऑब्वियसली गैंग लीडर्स ने बोला होगा कि प्रिंस के गैंग में सभी सेफ हैं, इनमें से इनको रोको ताकि ये नॉन इम्यून हो और हम इसमें से किसी को निकाल पाएं। ऋषि ऊपर आ जाओ, ऋषि ऊपर आ जाओ, भाग। कृति अब कोई नहीं है, छुड़वा ले अब, पकड़ ले सिमरन, पकड़ ले सिमरन, पकड़े रख, लॉक योर आर्म्स, डोंट लेट हर गो। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। युक्ति को सिमरन ने नहीं जाने दिया और भर्ग ने रश्मीत को नहीं जाने दिया ना, थॉट दोज गर्ल्स वर फिनोमिनल। अरुण मिले, तू अकेले, मैं सोहेल के पास भेज रहा हूं, सोहेल ही विल हेल्प यू। चलो कुछ तो फायदा है बाहर होने, धड़म धड़ुम नहीं है, एक तो आ जाएगी बेटी, एक ना खेलूं मैं। सही है, खेलो उनकी, खेलो जो तुम्हारी मदद नहीं करते। लेके बैठे हो सर, एक तो लेन दो मुझे, कोई बात नहीं, इसके बाद हमारे पास भी है टाइम भाई, हमारे लिए भी तो है ना, आप ये मत बोलना कि इसके बाद करो, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात, खेलो। मेरी गेम भी बहुत स्ट्रांग थी कि तुम, कोई बात नहीं तुम रोक लो, अगर यहाँ पे ना भी जीते ना वोट आउट में हम फिर भी नहीं जाएंगे और तुम में से एक निकालोगे, क्योंकि सभी तो इम्यून नहीं होंगे। बॉयज 2 मिनट्स स्टार्ट नाउ। मुझे दबोच लिया था पीछे से मिलिंद ने, वो मेरे को यहाँ वहां पटक रहा है, मगर मैं थोड़ा मचलने लग गया, मैं उसके हाथ नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट मैं बस उठने ही वाला था, मिलिंद की पकड़ से मैं ऑलमोस्ट निकल ही चुका था कि मैं देख रहा हूँ सोहेल यहाँ से आया और पूरा का पूरा वेट लेके मेरे ऊपर चढ़ गया। पकड़ ले, बस बस ये पकड़ ले। गौरव को दोनों ने रोका और सडनली चीखने की आवाज आती है और वहां पर सिमरन रोने लगती है। क्या हुआ? शिट! कोई बात नहीं, मेरा भी हुआ था। इट्स ओके। बहुत जल्दी कवर होगा। सभी रो रहे थे, सभी को बुरा लग रहा था, चाहे वो सोहेल था चाहे वो मिलन था, कि सर हमारी वजह से हो गया, पर उनकी वजह से नहीं हुआ था क्योंकि ये गेम है, ये कभी तुम खेलते हो तुम्हें ये चोट लगती है। लेट करके राउंडिंग करो, यहां का बाकी ये डन, ये डन। इस पूरे कंफ्यूजन में दो रोडीज का बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड था और वो थे भर्ग और पिदान, और दोनों ने डॉक्टर की मदद की। दे वर अमेजिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर रियल हीरोज। We've sent Gaurav to the hospital.
सीधा ही जो भी उसका स्टेटस होगा, कितनी चोट लगी है, कितनी लगी, क्या होने वाला आगे, गैंग लीडर्स मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्द. इसके बाद हम ये टास्क नहीं कर रहे, इट फिनिशेज हियर. और एज इट स्टैंड्स, नेहा एंड निखिल, आप दोनों के गैंग्स दो दो इम्यूनिटीज थी, और जो बाकी के तीन गैंग्स हैं उन सबको एक एक इम्यूनिटी मिलेगी. ऑलराइट, आई एम गोना सी यू गाइस एट द वोट आउट. We did get the two immunities, but the price that someone else had to pay for it was very high. बहुत डर गए थे सब लोग कि अब क्या होने वाला है. We were not feeling good about it. सब disappointed थे, सबको बुरा लग रहा था कि यार ये क्या हो गया आज. मेरा बिल्कुल मन नहीं था किसी से भी बात करने का. In fact, I was completely blank at that point of time. Now I want to request you something. Sohail and Milin are very guilty. You are closest to Gaurav. I want you to be strong and go to both of them. क्योंकि उनकी गलती नहीं है ना बाबा. But I can't. I can't go to anybody more. ठीक है. For now, let her be. Relax. तो फिर अब रोना मत. अगर कोई मेरे अगेंस्ट भी जा रहा था तब भी मेरा मन था कि जाने दो, जिसको जो करना है करने दो. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे देयर एंड जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक. मेरे तो यही बोलूँगी तुम्हें कि तुम अरुण का नाम मत लिखो प्लीज. मेरे पास एटलीस्ट एक बंदा छोड़ दो परफॉर्म करने के. अरे हम ऐसा कर सकते हैं कि गैंग प्रिंस को टारगेट करें. आई थिंक यू शुड. They've been playing safe all season. पूरे season immunity लेके आगे चल रहे हैं. immunity बहुत ज्यादा हो गया. बहुत देर होगी मेजोरिटी वहाँ पे. बहुत देर होगी. दो सिटीज हो गई पूरी. अब यहाँ ले आओ वापस. हम चार लोग मिनॉरिटी में हैं एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन मेजॉरिटी. अगर हम उनको टारगेट नहीं करेंगे वो हमें टारगेट करेंगे. अब हमारे पास बचते हैं गौरव, विधान और युक्ति. अगर विधान को कहीं से भी हिंट होता है कि हम उसको वोट, तो अगर हम टारगेट करते हैं, अगर वो सेव भी करते हैं उसका बैंड तो वेस्ट हो जाएगा ना. हम वो करते हैं फिर आज. फिर एटलीस्ट बैंड तो वेस्ट करें. थोड़ी देर में तारा आया वहाँ पे बताने के लिए कि आरुषि इज प्लानिंग अगेंस्ट अस. तुझे पता है वो अपना अलग से गैंग बना के बैठी हुई है. कौन है उसमें? डॉक्टर. देख साइबर से वो क्यों मिलती, कल हमें बात तो हुई थी. साइबर से वो गैंग अप क्यों कर रही है? क्योंकि तुझे पता है वहाँ से गेम चालू हो चुका है. वो अगेंस्ट हमारी है. यस. लिसन 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 व्हाट आई एम सेइंग. अरुण 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 वील पिच टू एवरीवन. वील ब्रिंग दैट नेम अप. नाम ऊपर लेकर आएंगे. अरुण को इम्यूनिटी मिलेगी. हमारा टारगेट दत्ता सीधा. Hi gang leaders. Hello. Aran. पहले तुम्हारा मूड थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ. जस्ट गॉट सम न्यूज. गौरव को ज्यादा सीरियसली चोट नहीं लगी. एक बार बताओ, अगर गैंग में कोई है या नहीं है उससे फर्क पड़ता है वोटिंग पे? लाइक Gaurav is not there, Milin is not there. That's a huge disadvantage. Should they vote themselves? Yeah! Oh! 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 Oh yeah! Oh, bhai saab. Hello, abba tod dena. Gaurav. Gaurav. How are you feeling, Gaurav? Sir, काफी better है. मतलब थोड़ी swelling है और काफी pain है अभी. But कोई dislocations और कोई fractures नहीं है. आपको देख के यहाँ पे सब खुश हो गए. Yes sir, thank you. काफी worried थे आपके बारे में. Okay. नेहा और निखिल, आपके gangs ने treasure ढूंढे थे उसकी वजह से आपके पास दो दो immunity है. So Sohail, congratulations. Thank you, sir. You're immune. So is Milin. और प्रिंस रफ्तार और संदीपा जी, आप सबको एक ही इम्यूनिटी मिली. इम्यूनिटी पाने का मौका है. जो चाहते हैं अपने गैंग लीडर्स को पिच करो एंड ट्राई टू गेट द इम्यूनिटी, ट्राई टू सर्वाइव दिस वोट आउट. सर, जो भी कैंप में डिस्कशन हुआ है,
विधान का नाम बहुत बार ऐसे हाईलाइट होके आया जस्ट टू क्रिएट अ ब्लफ कि उसका बैन चला जाए, ये हो जाए वो हो जाए। पर आपने बोला नहीं कि उनके गैंग लीडर्स ने कितनी बार बोला है जब फेवर लिया था कि हम फेवर रिटर्न करेंगे। एक सेकेंड, हमने नहीं बोला, हमारे में से किसी ने बोला फेवर, सिर्फ मैंने बोला। सर देयर इज नो फेवर हियर, देयर इज नो फेवर, ये क्लियर कर ले, नहीं कुछ फेवर नहीं है सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इनको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि उनके गैंग से बात कर सकता कि आपके गैंग लीडर ने हमें बोलता कि मतलब मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं सामने क्लियर करा सकता हूँ। तुम्हें पता है कोई अलायंस नहीं है, पर तुम्हारा हर गैंग में एक ना एक साथी है जिनकी तुम मदद कर रहे हो। अगर आप उनकी मदद भी लेते हो तो तुम आगे तक सरवाइव करते हो, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, आगे तक तो सरवाइव करते हो यार। ओह गैंग प्रिंस, चार लोग एक इम्यूनिटी, लेकिन एक रियल हीरो भी है। मैं अंकिता को दूंगा। संदीप पाजी, डिसीजन टाइम, क्योंकि ऑलरेडी दो लोग इम्यून है। मैं आज बहुत ज्यादा चिल था क्योंकि लास्ट टास्क में साइबा और उसके साथ साथ मुझे भी एक इम्यूनिटी मिल गई थी, तो मुझे कोई डर नहीं था। गैंग में रह गए रश्मीत और आशीष। पाजी एक इम्यूनिटी है, किसको दोगे? हर कोई टारगेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग को निकालें, स्ट्रॉन्ग को निकालें, तो उस हिसाब से मैं आशीष को देता हूँ। थैंक यू सर। क्या हुआ रश्मीत? सर आई एम इन डेंजर ऑब्वियसली, लास्ट टाइम भी मेरे तरफ वोट आते, अगर प्रिंस सर की गैंग वोट करती तो साहिबा की तरफ नहीं आते, मैं लिख के दे सकती हूँ। नेक्स्ट गैंग रफ्तार। सर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं बाहर चले जाऊँ, आपने देखा है अगर मैं सेफ नहीं हूँ तो आई एम आउट। मैंने टास्क के बाद जाकर सबको अरुण के लिए पिच किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को यही सुनने में आया कि वो अरुण को तो इम्यूनिटी मिल रही है, दत्ता का ही नाम लिख देते हैं। एंड मेरे अपने लोगों से आया है, प्रिंस सर आप कितना भी बोल लो। आया है नाम, बाकी आप देख लो जैसे आपको ठीक लगे। मैं अरुण को देना चाहूंगा। And Arushi has friends and I hope. Rachel, तेरे से कोई परेशान नहीं है। Moving on to Nikhil's gang. Nikhil, आपके पास दो immunities हैं। First to Laksh and to Simran. All right. आज के वोट आउट में आप सब जाएंगे और एक रोडी का नाम लिखेंगे जिसको आप वोट आउट करना चाहते हैं। You're smelly, irritating, dumb, और तू आस्तीन का सांप है। मुझे मक्खियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है और ये मेरे कान के आसपास मंडराने वाली मक्खियाँ जब से आई है। All right, guys, the votes are in. इससे पहले कि मैं वोट्स बताऊं, क्या किसी रियल हीरो को अपना बैंड इस्तेमाल करना है खुद के लिए या किसी और के लिए? भर्ग? नो सर। शॉ? यस सर। विदान? नो सर। आज के वोट आउट में जिसका भी नाम आएगा वो खतरे में। चाहे एक बार आए चाहे 15 बार। अगर आपका नाम यहां पर एक बारी भी आया शायद आज रात को यहां से वापस घर जा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, पहला वोट आरुषि, अगला वोट रश्मीत, नेक्स्ट वोट रचल। आप तीनों फिलहाल डेंजर जोन में।
तीनों यहाँ पर आ गए। आप तीनों के खिलाफ आज इस वोट आउट में वोट्स आए, एक, दस, पांच। लेकिन आप तीनों में से घर जाएगा सिर्फ एक। कौन कितना पानी है ये रोडी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। और आज वही स्किल इनके काम में आने वाली है। इन्होंने अगर गेस कर लिया कि उनके खिलाफ किसने वोट किया है, वो वोट कट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल रचल ने वो पांचों नाम गेस कर लिए और रश्मीत ने 10 के 10 सही दे दिए और आरुषि ने एक भी गलत बताया, उस एक वोट की वजह से आरुषि वापस घर जाएगी। आरुषि, आपको सिर्फ एक नाम लिखना है, 10 नाम जिसने आपके अगेंस्ट वोट किया। 5, 5 गाइस, रेडी? आरुषि ने लिखा युक्ति का नाम। एंड आरुषि, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने साथ में खेलना बंद कर दिया, इसीलिए आपका नाम लिख रहा हूं। रश्मीत ने सबसे पहले लिखा युक्ति का नाम। सही जवाब। फिर आपने लिखा गौरव और विधान का नाम। सही जवाब। अगला नाम अंकिता, सेम गैंग, सेम रिजल्ट। कितने रह गए? 6। रचल के भी गैसेस साथ साथ में पढ़ लेते हैं। रचल, आपने सबसे पहले लिखा आशीष का नाम। सही जवाब। उसके बाद आपने लिखा रश्मीत और साहिबा का नाम। राइट आंसर। रश्मीत, अगला नाम आपने लिखा सिमरन का नाम। सही जवाब। स्कोर क्या है? 2-5। आरुषि? 1। रश्मीत, अगला नाम आपने कहा था लक्ष्य का। राइट आंसर। मेक सेंस टू जस्ट गो टू भर्ग सेतु। भर्ग सेतु ने भी रश्मीत को वोट किया था। वेल डन रश्मीत, दो गैंग्स के वोट आपने सही पढ़ लिए। स्कोर क्या है? 1-3-2। अगला वोट रश्मीत ने कहा कि रचल ने लिखा है। राइट आंसर। अगला वोट रचल ने लिखा आरुषि।
Arushi voted for Rachel. दत्ता ने अपने ही गैंग में वोट की है. ऑब्वियसली ये बहुत एविडेंट था कि उनकी गैंग में तो यूनिटी नहीं है. अपने गैंग के अंदर वोट करने का फायदा हुआ या नुकसान? सर मेरे को लग रहा था कि रचल गैंग के लिए नहीं होगा लॉयल. मैंने आरुषि तेरे को पहले ही कहा था मैं तेरे को नहीं करूंगा. I doubted your loyalty. देख ले ये डाउट दिख रहा है. अब इसने अपनी लॉयल्टी दिखा दी जबकि मैंने नहीं किया और इसने इसके ट्रू कलर सब पता चल चुके हैं. जैसी ये आपको दिखाती है वैसी नहीं है, बहुत फ्लिप मारती है. ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कोई ट्रू कलर वाली बात नहीं है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है. समझ आया? अरुण, आर यू जस्टिफाइंग समबडी वोटिंग अगेंस्ट देयर ओन गैंग? सर ऐसी बात नहीं है, बट जैसे वो बोल रहा है उस तरह से उसने वोट आउट नहीं किया उसको. मैंने बहुत क्लियरली सर को पहले भी बता दिया था कि मैं वोट करूंगा. यार एक बात बता यार, जो मैं बोल रहा हूँ तेरे को मैंने पहले ही बोली थी कि नहीं बात यार. अब तू चुप हो जा. आवाज नीचे कर, आवाज नीचे कर. मैंने तेरे को नहीं किया ना वोट. मैं गैंग के लिए था कि नहीं लॉयल. आवाज नीचे कर. अभी रो रहा था मेरे को वोट मत करना, वोट मत करना. मैंने ना सुन ना सुन, मैंने तेरे को पहले ही बोला था मैं गैंग के लिए वोट नहीं करूंगा. तेरे को निकालना नहीं किया तुम्हारी तरह ना. गैंग की लॉयल्टी अलग बात है, गिरगिट नहीं हूं. गिरगिट नहीं हूं. अरे गिरगिट वाली बात ही नहीं है. अरे चलो गिरगिट. अरे कभी किधर जाते हो, कभी किधर जाते हो? तुम जैसे से बात नहीं करता हूं. चुप कर अरुण, प्लीज चुप हो जाओ. अरुण तूने अपनी गैंग में वोट नहीं किया, चुप हो जाओ. वीडियो के अंदर थप्पड़ मारो, अंदर गिरेगा. बात करता था तू. अब तूने अपनी गैंग में वोट डाला. सुनेगा की बात मत करियो. सुनेगा पीछे हो जाओ. सुनेगा पहले पीछे हो जाओ. पहले सुनेगा के बाद अब बंद हो जाएगा. तेरे पास कोई ओपिनियन नहीं होता. सुन तेरे पास कोई ओपिनियन नहीं है. तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा. बस तेरे लेवल पे क्रिकेट पे जैसा लड़ाई नहीं कर सकता हूं मैं. ठीक है भाई. अरुण फिलहाल उसका गैस सही निकला. वो बात सही है पर तुम्हारा कुछ बोलना बनता नहीं. स्कोर 1-2-1. लास्ट में आपने लिखा है मिलन का नाम और आपने भी मिलन का नाम लिखा है. मिलन ने रश्मीत को वोट किया था. रश्मीत व्हाट्स द स्कोर? 1-1. यू आर स्टिल एट 1 और आप 1 से कम नहीं कर सकते बिकॉज आपके 5 गेसेस हो गए हैं. बट रश्मीत हैज 1 मोर गेस. अगला नाम आपने लिखा है सोहेल का एंड रश्मीत दैट इज रॉन्ग. The score is 1-1-1. यहां से आज घर तीनों में से एक ही जाएगा. Because it's a tie, the roadies, उनकी power of voting will have to be respected. दस वोट आए थे रश्मीत के अगेंस्ट. रश्मीत यू बीन वोटेड आउट बाय योर फेलो रोडीज. आरुषि बाल बाल बच गए. गो बैक टू योर गैंग. रचल कंग्रेचुलेशन, यू जस्ट गॉट सेव्ड. Thank you so much. Take care. Thanks for being part of Roadies Real Heroes. Finally, I did it!
Finally, you're on the journey. I did two cities. I'm happy. You're happy? I'm happy. Bye, Rashmi. Love you. Good night. Good night, Ran. मेरा खुद का दोस्त तारा मेरा ही नाम लिखा उसने वोट आउट में, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल बात थी। इस बात से मुझे बहुत क्लियर हो गया था कि अब गैंग प्रिंस और तारा के रडार पर मैं और अरुण डेफिनेटली हैं। एक बार को वो अरुण को भी छोड़ देंगे, लेकिन मेरे पे आएगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये क्लियर हो चुका था कि तारा इज नॉट प्लेइंग विद आरुषि। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्लियर है गैंग रफ्तार खाली करनी है, और हम भी कहीं ना कहीं क्लियर है हम अपने को खाली नहीं होने देंगे भाई। हम जान लगा देंगे, जितना डैमेज तुम हमारे लिए करोगे हम भी आपको उतना डैमेज जरूर करेंगे।